लेकिन अभी क्षेत्र के लिए शर्म की बात है, क्षेत्र में धब्बा कर ऐसे लोगों को, उन्होंने पूरे इस बार तो कम है, पूरे दीवारों को रंग बिल्कुल ऐसा रंग किया था ये हरी झाड़ी से, और ऐसे अभद्र और अशोभनीय गालियां लिखी थी जिनका हम यहाँ पर वाचन भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं पाएंगे। ये रही हमारी दीदी जी, दीदी जी पी रहे हैं हुक्का, आकन माने हुक्का कहूं साजो चिलमोनो है ना। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर फुआले भी हो रखे हैं जिसे कहा जाता है रयास। तो यहाँ पर हमारी मौसी जी के इतने सारे हो रखे हैं। तो आज सुबह सुबह मैं फिर से पहुंच चुका हूँ लोदली गांव में, तो चलिए आज आपको ले चलते हैं लोदली गांव की तरफ, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। नमस्ते, ठीक ठाक जा? नमस्ते बड़े, ठीक ठाक छो? आज सुबह सुबह लेखा, नमस्ते, ठीक ठाक छो? आज का नया दौड़ वक लगे भी रुको वक के मंडो मा भी रुको हो रही। अच्छा नंद रे, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे, आप खूब देखा मन गया दिन बड़ा है देखे लागे ना ना आल जान आई। हाँ हाँ बू भी बोल रहा हूँ कहीं, और वे गया नाश्ता पैंट। ओहो ओ ठीक छ, बड़ा हुआ तबार धन्यवाद। इन्हीं देखे कारा बड़े लग दी बड़े बड़ा हाँ अभी तो चलो कारा काम है आड़ू छू। हो ठीक छ जरूर। तो जब ऐसे किसी भी गांव में सब्सक्राइबर मिलते हैं ना और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं, तो कितनी खुशी होती है, एक ब्लॉगर को ही पता होगा कि कितनी खुशी होती है तब। तो वैसी ही खुशी मुझे भी हो रही है जब ये लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इन घरों की कंडीशन देखेंगे तो ये देखिए भाई, इनके दहलियों पे, दहलियों में बोलते हैं दहलीज पे, कैसे घास उग चुकी है। बाकी इनको कहा जाता है तिबारी वाले घर, लेकिन कोई नहीं रहता है। तो कैसा लग रहा है इन्हें देख के भी, अजीब सा लगता है जब ये ताले वगैरह देखो। बाकी आप यहाँ पर इन्हें हम बोलते हैं जलेठे, जैसे सामान वगैरह रखने के लिए। तो इनके डिज़ाइन ही देखेंगे आप, तो देखिए पुराने ज़माने में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाए जाते थे। बाकी ताला देखेंगे आप, तो यहाँ भी ताला लगा है, और यहाँ से भी एक लकड़ी डाली जाती थी उसको हम गुलना बोलते हैं। तो गुलना लगाने वाला भी दरवाज़ा है, अंदर से जाता है वो ऐसे, ताकि तब अंदर को दरवाज़ा खुलता नहीं है जब तक आगे ऊपर से ना निकालें। तो ये देखो कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं इधर तिवारी वाले घर भी, बहुत बेकार लगता है ना ऐसे घरों को देख के भी। ओ साहब जी वेगा नाश्ता, नमस्कार, नमस्ते, ठीक ठाक छो? मिकन भी बची था बस धन्यवाद। चाय पी के आना, जमी चाय पी के आना जो। हाँ नमस्ते मोसे, ठीक ठाक छो? हाँ तुम ठीक छो? सब बड़े सूर्यल खैर पाता अभी उठोगी आरची भाई? हाँ वही तो बना एक देखा, मर्ची भी मर्ची तुम्हारी ची कन मारी गट्ठी बनी ची तुम्हारी ची, देखा छेड़ छेड़ बड़े लगनी ची, छोट छोट गट हाँ बड़े लगनी ची, डिजाइन देखा तुम। हमारी मौसी जी आनंदी मौसी जी हैं ये। बाकी यहाँ पर आप डिजाइन भी देखेंगे तो कितना सुंदर कर रखा है। यू पेंट कैल का हूँ ना, भंडजिल का है, सुंदर कहीं छूंगा बहुत अच्छा लगन। नमस्ते दी, नमस्ते दी, नमस्ते। हाँ ये तुम दाल भात उजी गए, तुम्हारे के धरी चा? अच्छा अच्छा यू ना हूं जी गरम,
ये रही हमारी दीदी जी। दीदी जी पी रहे हैं हुक्का। अकन माने हुक्का कहूं साजोड़ चिलमोनो है ना भल कहूं मैं तुम्हें अल गए खाना घर नहीं होनी ना मैं घर तो नहीं होने जा शू अच्छा हाल कुछ मतलब अच्छा भड़े लाऊं ना तुम्हारे साजोड़ चिलमोन नमस्ते मौसी नमस्ते भाभी और ठीक ठाक छो किले शर्माना छो भाई ये तो फेमस इंस्टाग्राम हम तो फेमस छो तुम और ब्लॉगिंग हम एकदम इन शर्माना छो ये है एक दिन हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हार संजय रावत संजय रावत यहाँ पर हमारी दीदी जी ने मुझे घरिया ककड़ी भी दे दी है बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत 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 हुई है तुम्हारा अगले साल भी छका हुई है ठीक से वाह धन्यवाद यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर फुआले भी हो रखे हैं जिसे कहा जाता है रयास तो यहाँ पर हमारी मौसी जी के इतने सारे हो रखे हैं है? हम तभी दिन तुम ढेर सारा है ढेर सारा ई ची ई ची बस बहुत अच्छी तब तक बहुत ची है मैं पकौड़ा खाना खुनी दाल खाना खुनी है ना दुकान मानी थी उजे आकार जन जनू नहीं सर ने ना हारा उजे से उजे से तो बढ़िया है नहीं अभी चाय पी के हूँ बहुत जल्द आ लग देखा मर्च देखा वो खूब ही जिम्मी जान सब ये करो मर्च है ना कन्ना हूँ बेबी लिया था पर रोटा खाना चाहो चलो ठीक था हाँ मार दिया जरा एक सोड मार दे दी मरा हाँ निकाल यार धुआं धुआं तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्ते छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने बीरोखाल ब्लॉग के एक छोटे से गांव अनपुर गांव से। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह के 10:30 बजे से। और आज मैं जा रहा हूँ बरोलीखाल स्कूल में। अभी तक मैं बेदीखाल जा रखा था लोदिली तक, तो लोदिली गया था मैं सुबह और अब जा रहा हूँ मैं अपनी स्कूल बरोलीखाल स्कूल में। आज वहाँ अभिभावक संघ की मीटिंग है तो पापा जी नहीं जा रहे हैं कुछ कारणवश तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। तो चलिए आप सबको मिलते हैं अब बरोलीखाल में, तो बने रहेगा ब्लॉग में। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपनी स्कूल में। तो ये रहा बरोली गाँव में जाने का मेन गेट। ग्राम बरौली में आपका हार्दिक स्वागत है। बाकी ये रही हमारी प्यारी सी स्कूल जहाँ से हमने अपनी 6 से 12 तक की पढ़ाई करी है। इंटर हमने यहीं से किया है। बाकी इधर भी देखेंगे आप अभिभावक लोग भी आने लग गए हैं। ये रहा इंटर कॉलेज का मेन गेट। तो चलिए चलते हैं आज स्कूल की तरफ। नमस्ते सब नमस्ते ठीक ठाक छो नमस्ते 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 पहुंच गया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाकी ये देखेंगे आप विद्यालय प्रांगण काफी खूबसूरत सा। तो काफी सारे अभिभावक लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। देखिए तो इंटरवेल भी बंद हो चुकी है। यहाँ वॉलीबॉल भी चल रहा है।
सम्मानित मंच सभी सम्मानित प्रतिनिधि एवं सम्मानित क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता अभिभावक सभी का आज की बैठक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है एजेंडा है शायद आप लोग जब अंदर आए तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा और ये पहली घटना की घटना दोबारा इसकी पुनरावृत्ति इससे पहले छिटपुट घटनाएं होती रही कभी तोड़फोड़ कभी कुछ चोरी कभी कुछ लेकिन पिछले एक साल से उन अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो उनने सारी सीमाएं लांघ दी है। मतलब ना कोई गरिमा रह गई है ना उनके अंदर कोई डर रह गया ना उन्हें स्कूल या कुछ दिख रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा हमारे उनियाल जी ने बड़े जतन से व्यवस्था बना बना के स्कूल की पूरी पुताई उताई का व्यवस्था बनाया था जबकि इतना बजट स्कूल में होता नहीं है। उन्होंने लगाने के लिए स्रोतों से व्यवस्था बनाई और पूरा रंग रोगन करके और पूरे ब्लॉक में इस बिल्डिंग को एक अलग रूप देने का प्रयास किया। लेकिन अब इस क्षेत्र के लिए शर्म की बात है इस क्षेत्र में धब्बा कहने से लोगों को उन्होंने पूरे इस बार तो कम है पूरे दीवारों को रंग बिल्कुल ऐसा रंग किया था ये हरी झाड़ी से और ऐसे अभद्र और अशोभनीय गालियां लिखी थी जिनका हम यहाँ पर वाचन भी नहीं कर सकते बोल भी नहीं पाएंगे मुंह से। तो जैसे तैसे हमने उस बार भी स्वतः ही उसने संज्ञान लिया फिर खंड शिक्षा अधिकारी थानेदार जितनों से बात होती थी कुछ लोग आए थे तब भी प्रयास किया था। चलो हमें लगा हो जाता है में कोई गलती हो जाती है तब उन्होंने टैंक तोड़ दिया था ये हमारे ट्री कार्ड तोड़ दिए थे सब चीजें तोड़ दी थी डस्टबिन फेंक दिए थे हमारे नहीं मतलब आपके स्कूल सबका है ना मतलब स्कूल पे नहीं लिखा हमारे घर पे लिखा जाता है तो इस तरफ फिर उसको हम भूल गए थे कोई बात नहीं जो भी हमने कहा गलतियां हो जाती है। लेकिन पिछले हफ्ते फिर उस चीज की पुनरावृत्ति हुई पूरा हमारे बैडमिंटन का कोर्ट सही तोड़ दिया फूल के पौधे ला रहे थे जगह जगह से उखाड़ के फेंक दिए और फिर यहाँ उसी भाषा में असभ्य गालियां लिखी गई है जो कि हमारे यहाँ की जवान बेटियां आती हैं मैडमें आती हैं हम सब आते हैं ग्यारह बारह और लगातार निरंतर प्रयास है और वही व्यक्ति है जिनका पिछली बार उपकार है जो लोग बदले नहीं। तो हमने परसों बैठक बुलाई थी जिसमें पूरे अभिभावक थे हमारी कार्यकारिणी के अभिभावक सभी तो उसमें हमने अपनी बात रखी थी देखो विद्यालय हमारा नहीं आपका है हम तो यहाँ आज है कल नहीं रहे और जो जाएंगे आप जैसा यहाँ पे व्यवहार करेंगे उस मैसेज को लेके जाएंगे इस क्षेत्र का जो परिचय होगा हम सब जगह देंगे कि वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं और कैसे वहाँ का आचार व्यवहार और संस्कार है। एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदी करती है उसी एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र को हमें लिखा है आप सब ने लिखा है किसी एक ने लिखा है पर वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहीं भी बात जाएगी अगर मीडिया में जाएगी कहीं भी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि राजकेंद्र कॉलेज पंचायत प्रणाली में इस तरह की हरकत हुई है और शायद मुझे लगता है पूरे देश में या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में भी इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई होगी चलिए आज जब हम स्कूल पढ़ते थे तो यहाँ पर घंटी हुआ करती तो बैल यहाँ पर टंका हुई करती थी तो यहीं पर से बजती थी बैल ये देखिए। और अब तो काफ़ी बदल चुकी है स्कूल इधर साइड को स्टेज भी हो चुका है पहले यहाँ पर हुआ करता था स्टेज
तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है अब तो स्कूल पहले के अकॉर्डिंग। और जब सर्दियों के टाइम पे धूप सेकने के लिए हम सब लोग इधर ही को बैठा करते थे। बाकी यहाँ पर सैतूत का पेड़ भी है जिसे कीमू बोला जाता है। बाकी स्कूल के ठीक सामने यहाँ पर सैतूखाल नज़र आता है, ये रहा अपना सैतूखाल मार्केट। बाकी इधर साइड को आप नज़र मारेंगे तो ठीक मैठाणा गांव भी नज़र आ रहा है, ये रहा मैठाणा गांव जहां मैं अधिकतर जाता ही रहता हूं। बाकी इधर साइड को है आगे को भरोली गांव। इधर साइड को हो गए भाई ऑफिस, ये है कार्यालय। बाकी इधर है प्रधानाचार्य कक्ष, प्रिंसिपल रूम, और ये है स्टाफ रूम, यहाँ टीचर्स लोग बैठते हैं, परीक्षा कक्ष। बाकी इधर को हो गया किचन, तो यहाँ इंटर कॉलेज है तो यहाँ खाना भी बनता है। बाकी आगे को क्लास रूम चल रही है, क्लासेस चल रही हैं क्योंकि आज मीटिंग थी तो इधर को कर रखी है शिफ्ट क्लासें। ये देखिए बच्चे लगे हैं पढ़ने पे। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर बैल भी टांग रखी है, तो यही बैल हुआ करती थी आगे वाले पेड़ पे, लेकिन अब इधर को कर दी है इन्होंने क्योंकि आधे क्लासेस इधर को हैं आधे इधर को हैं, तो सारी जगह तो फिर बैल सुनाई देती है, तो अच्छा कर दिया है। बाकी फूल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे लगा दिए गए हैं, फूल भी देखेंगे आप तो ये देखो काफ़ी सुंदर भी खिल रखे हैं, और अब सभी लगभग लगभग चले गए हैं। और आज भरोली खाल स्कूल में अभिभावक संघ की मीटिंग भी थी, तो मीटिंग का विषय ये था कि स्कूल की दीवारों में बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ, बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें लिखी हैं कि जिसे हम बता भी नहीं सकते, पढ़ने में ही शर्म आ रही है। तो इसी विषय में आज भरोली खाल स्कूल में भी मीटिंग रखी गई थी अभिभावकों की, लेकिन जितने भी यहाँ अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं बहुत कम संख्या में आ रखे थे, जबकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए था। और सभी लोगों को बुला रखा था अधिकतर, जिनके बच्चे पढ़ते भी हैं और जिनके नहीं भी, लगभग लगभग पूरे क्षेत्र में चिट्ठियां दे रखी थी, लेकिन बहुत ही कम संख्या में आ रखे थे। तो यही कारण था कि अब जिसने वो चीज़ें लिखी है उस पर सिर्फ शक ही है, बाकी सबूत नहीं है हम लोगों के पास। तो बाकी यही निष्कर्ष निकला है कि अब क्या किया जाए, तो देखते हैं अभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आगे SDM तक को लेटर लिखे जाएंगे, तब देखते हैं क्या क्या निर्णय निकलते हैं। तो भाई ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, और ऐसे काम करने वालों तक भी जानी चाहिए ये वीडियो कि यार इस स्कूल में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और आप इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हो स्कूल में। शर्म, कुछ शर्म नाम की तो चीज़ आपके अंदर है ही नहीं, आप क्या बोल सकते हैं। लेकिन आपके भाई बहन माँ बहनें भी तो आते होंगे इधर साइड को, तो वो भी तो पढ़ेंगे, तो आप लोगों को भी कैसा लगेगा, उन लोगों को भी कैसा लगेगा। तो ऐसे काम मत किया करो यार, अपना क्षेत्र है, अपनी स्कूल है, विद्यालय तो एक मंदिर होता है जहाँ से हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए। बाकी सिर्फ हर किसी को शकी है, मतलब हर किसी को पता है कौन है, लेकिन देखा नहीं है उस आदमी को लिखते हुए। बाकी पता तो सबको है, पूरे क्षेत्र वालों को पता है कि ये काम किसने किया है, और पहले भी किया गया था और दोबारा से कर दिया गया है वही काम, तो आप क्या बोलें उस शख्स के लिए भी भाई। बाकी आप लोग क्या निर्णय लेंगे इस विषय में कि स्कूल में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं, क्या करना चाहिए आखिर इस गुनहगार के साथ। लेकिन कानून तो सबूत मांगता है, लेकिन सबको पता है कि काम किसने किया है ये, अब बाकी क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी लेटर वगैरह तो लिखे जा रहे हैं, SDM तक जा रही है बात, आगे तक बहुत सारे शिक्षा प्रशासन तक पहुँचाई जाएगी ये बातें। तो बाकी ऐसे काम मत किया करो भाई, और बाकी जितने भी अभिभावक लोग नहीं पहुँचे थे उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी आना चाहिए था, आपके विद्यालय की बात है, आपके क्षेत्र की बात है, तो ऐसे समय में आना चाहिए, ऐसी बातों में आना चाहिए। बाकी जिस किसी ने भी ये स्कूल पे ऐसा कुछ लिखा है उसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और बाकी ये काम स्कूल के छुट्टी होने के बाद ही लिखा जा रहा है, जब कोई नहीं रहता है स्कूल में तब ये गंदी गंदी बातें तब लिखी होती है स्कूल में, तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे काम करने वालों को। बाकी आप लोगों की भी क्या राय है इसके खिलाफ, अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को भी शेयर कर दीजिए।